हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे स्मार्ट स्टडी अमन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लाए हैं शिक्षा निदेशालय से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4, क्लास थे आपकी 7th। ओके, और सब्जेक्ट है जल्दी से बोलिए इंग्लिश। डेट था आपकी 19/4/2021, जो अभी मेरे इंग्लिश ग्रुप के सर ने डाली है, वहाँ उसमें कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, ये तो हम कर लेंगे। चलिए, ये हमें क्या दिया गया, द बॉय, इसमें हमें वो बोला गया है लुक एट द पिक्चर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन वाज एन, मतलब कि इस पिक्चर को चेक हमें देखना है और हमें जो हमें ऑप्शन दिए गए ये वाज और वे उसमें से हमें भरना है। द बॉय इज, इसमें क्या आएगा, चलिए करते हैं द बॉय आर दो द, चलिए करते हैं इसके इन इनके आंसर। चलिए तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर, द बॉय वॉज रीडिंग अ बुक। ओके, सेकंड में द वेयर प्लेइंग बैडमिंटन, थर्ड में हमारा वी वेयर ईटिंग। ओके, और सोचिए अब हमारा इसमें क्या आ जाएगा, फोर्थ में ही वॉज अ टीचर। ठीक है, ही वॉज अ टीचर। अब हमारा ये है, इसमें भी आप जल्दी से अपने आपने नोटबुक में उतार ली तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लकी ये है तो इसमें क्या दिया गया, उसमें लिख देंगे वी वेयर इन अवर क्लास शी वॉज अ टीचर सोनू वॉज हंगरी, तो ओके आई एम अ हैप्पी देयर, इसमें करके लिखना है। तो इसमें आई, तो इसका ये वाला जो आपको दिया गया है ये वाला, इसको मैं हम करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम इसमें से करना है कि अब हमें आई 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 वॉज हंगरी ही वेयर में आएगा, एक बार हम फिर करते हैं, रुकिए हम इसको अभी करते हैं फिर से। आई एम हंगरी, आई एम, तो इसमें आप इसको खुद करेंगी, आपको ये क्यों दिया गया कि आप इसको अच्छे से समझिए, खुद करिए। तो इसमें हमारेगा, मैं आपको इसके कर लेते हैं हम इसके। ओके फ्रेंड्स, जी अरे हमारे आप इसको कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो जब हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, बाय।